गाइज आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैप्टर ऑन स्टैक्स। ठीक है, हम बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या उसके एप्लीकेशन हैं। ठीक है, जिसमें स्टैक हेल्प आउट करता है हमें। देन वी विल सी कौन कौन से ऑपरेशन स्टैक पे हो सकते हैं। हम देखेंगे स्टैक एक्चुअली स्टैक मेमोरी में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखेंगे कि एक एप्लीकेशन है स्टैक की कि HTML में करेक्ट टैग्स देखना या XML के करेक्ट एक्सप्रेशन देखना। उनमें ही एक हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे जिसमें चेक करेंगे कि वो करेक्ट एक्सप्रेशन है या नहीं। ठीक है, और एक एंड में एक एग्जांपल लेंगे कि एक एल्गोरिथम भी देखेंगे छोटा सा, और उसके बेसिस पे देखेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में चेंज कैसे करते हैं, और एक्चुअली ये एक्सप्रेशन होते क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता क्या है। ओके गाइस, और एक बात याद रखना, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछ लेता है कि पोस्ट फिक्स जो ऑपरेशन होता है उसका क्या नाम होता है, एक और नाम होता है, उसे कहते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। पोस्ट फिक्स की बोलते हैं गाइस, और किसी को नहीं बोलते, पोस्ट फिक्स को ही बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ओके गाइस, तीन तरह के ऑपरेशन होते हैं जैसे कि प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। ठीक है, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर वन, दैट व्हाट इज अ स्टैक। गाइस पहली बात तो डाटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप का होता है। ठीक है, वन इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं गाइस, एरे हो गया, ठीक है, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। ठीक है, नॉन लीनियर में गाइस वही ट्रीज, ग्राफ्स एक्सेट्रा, हम बेसिकली ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब आज हम इसमें पढ़ेंगे स्टैक्स के बारे में। तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। स्टैक बेसिकली होता क्या है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है गाइस। मान लीजिए ये एक आपका बुक शेल्फ है, आपने एक बुक यहाँ पे रखी, देन यहाँ पे रखी, देन यहाँ पे रखी, देन यहाँ पे रखी, देन यहाँ पे रखी। पहली बुक आपने यहाँ रखी, दूसरी यहाँ रखी, तीसरी यहाँ रखी, चौथी यहाँ रखी, पांचवी यहाँ रखी। तो जो मैंने लास्ट बुक रखी, जब कोई और इंसान, मान लीजिए ये ए है, जब दूसरा इंसान इस स्टैक को यूज करना चाहेगा और पॉप करना चाहेगा एक बुक को, तो वो कौन सी बुक सबसे पहले पॉप कर पाएगा, दैट इज फिफ्थ वन। ठीक है, तो फिफ्थ क्या है, मैंने तो वो रखी लास्ट इन। ठीक है, लास्ट इन में रखा उसे, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट आउट कर दिया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जो मैंने बुक लास्ट में रखी, फर्स्ट ही वो आउट हो पाएगी, पहले वो डायरेक्टली फोर्थ बुक को नहीं उठा सकता स्टैक के ऊपर से। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक एक जगह है, ये साइड में सारा बंद है। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक से बुक उठेगी तो फिफ्थ ही उठेगी। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लीफो बोलते हैं। सेकेंडली अगर हम देखें फर्स्ट इन लास्ट आउट फीलो, तो उसका मीनिंग क्या होता है, जो पहली बार पहली बुक मैंने एंटर की थी दैट वॉज फर्स्ट, वो लास्ट में ही आउट कर पाएगा ये आउट वाला बंदा। ये मान लीजिए इन वाला बंदा है या आउट वाला बंदा है, तो जो मैंने पहली बार, जो इन वाले ने पहला इन किया था, फर्स्ट इंसर्शन की थी, वो ही लास्ट में वो आउट कर पाएगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है गाइस, यही सेम क्वेश्चन मैंने कोल इंडिया की, अगर आपने मेरा कोल इंडिया वाला प्लेलिस्ट देखा हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन सेम आया हुआ, उसमें फीलो के बारे में पूछा हुआ। लोगों को फीलो के बारे में नहीं पता था, लीफो के बारे में पता होता है। ठीक है, तो फीलो पे क्वेश्चन है कि फीलो कौन सी डाटा स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि फीलो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है, तो उसका आंसर स्टैक आना है। ठीक है, तो फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो गाइस जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सारा ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया होगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट पूछा हो, चाहे कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पूछी हो, चाहे उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछा हो। तो इसलिए ही मैं हर डाटा स्ट्रक्चर को सभी एंगल से कवर करने की कोशिश करता हूँ कि उस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है विद डायग्राम्स, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अब हमने
पढ़ लिए कि डाटा स्ट्रक्चर स्टैक होता गया और उसमें कैसे काम होता है। अब हम इसके ऑपरेशंस के बारे में गाइस हम देखते रहेंगे हमने कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ वी हैव सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल गो ऑन टू सेकंड कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं स्टैक पे। नाउ वी विल गो ऑन ऑपरेशंस ऑन स्टैक। गाइस ऑपरेशंस दो तरह के होते हैं, वैसे तीन भी कई बताते हैं, ठीक है, पर मैं दो को ही लेके चलूंगा। फर्स्ट इज पुश ऑपरेशन एंड सेकंड इज पॉप ऑपरेशन। जो तीसरा वाला बताते हैं उसे पीक बोलते हैं, पीक ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे वो हमारे किसी काम का नहीं है। वी विल ओनली गो विथ पुश एंड पॉप। ठीक है, तो पुश का मीनिंग क्या होता है, एज द नेम इम्प्लाइज हम इंसर्ट करेंगे, और पॉप का मीनिंग क्या होता है कि हम उससे कोई ना कोई एलिमेंट पॉप करेंगे या बाहर निकालेंगे, ठीक है, या डिलीट करेंगे। पर इसमें पॉप का मीनिंग डिलीट भी होता है प्लस रिटर्न। रिटर्न मतलब आउटपुट आएगा, स्क्रीन पे आउटपुट आएगा जब आप प्रोग्राम प्रोसेस करोगे, आउटपुट पहले रिटर्न होगा, वैल्यू आउटपुट आएगी और उसके बाद डिलीट होगा। ये दो ऑपरेशन होंगे पॉप के ऊपर। ठीक है गाइज, पीक का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक आपको रिटर्न कर देगा लेकिन डिलीट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली कई जगह इसे यह भी बताया जाता है पीक ऑपरेशन को कि एक टॉप ऑफ द स्टैक, अगर मैं टॉप सिर्फ एक फंक्शन ले लूं, अगर मैं इसे कॉल करता हूं तो वो पीक ऑपरेशन की तरह काम करता है कि मुझे टॉप ऑफ द स्टैक जो होता है उसे रिटर्न कर देता है, उसको आउटपुट कर देता है लेकिन उसको स्टैक में से डिलीट नहीं करता। कई बुक्स में टॉप फंक्शन को यूज किया, कई बुक्स में पीक लिखा हुआ है, उसे पीक ऑपरेशन कहते हैं। तो आपको जैसे भी उसे लेना ले सकते हैं, लेकिन पुश और पॉप ही बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है गाइज, अब इंसर्ट का मीनिंग क्या है, इंसर्ट, ये दोनों ही ऑपरेशन फर्स्ट मैं इसे मान रहा हूं, दूसरा इस पूरे को मान रहा हूं, ये जो दोनों ही ऑपरेशन है इंसर्ट और पुश और पॉप के, ठीक है, ये दोनों ही गाइस टॉप ऑफ द स्टैक से इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक से इंप्लीमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, चलो हम पहला ऑपरेशन करके देखते हैं, पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन मान के चलिए कि स्टैक में पहले दो वैल्यूज पड़ी हैं, वन और टू, और यहां पे स्पेस अवेलेबल है ये वाला, थर्ड पे मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है, TOS मान लेते हैं, टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, तो जब भी मैं पुश करूंगा वो थर्ड पे ही पुश होगा, कोई भी बुक होगी वो थर्ड पे ही रखी जाएगी। ठीक है, और अगर पॉप में देखूं, वन टू और थ्री अगर पड़ा है, ठीक है, तो जब भी पॉप होगा तो वो थर्ड ही पॉप होगा। तो यहां पे फर्स्ट क्या हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इंसर्ट की थी वो ही फर्स्ट में यहां पे आउट हो रही है, जो कि होता टॉप ऑफ स्टैक से ही है। ठीक है, सिर्फ मैं, मेरे पास एक्सेसिबल ही टॉप ऑफ स्टैक है। ठीक है, तो एक मैं कोरिलेशन बता दूं आपका कि डाटा, कई बच्चे को ये नहीं पता होता कि यार मैं इतने सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूं, इनका कोरिलेशन क्या है, तो एक कोरिलेशन यहां पे जनरेट कर देता हूं। डाटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर जो आपके सब्जेक्ट है, इनमें एक कोरिलेशन स्टैक से है, वो मैं आपको एक सिंपल एप्लीकेशन बता रहा हूं। जब आप जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं COA में, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब असेंबली लैंग्वेज में आप जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है कि आप कोई भी एड्रेस नहीं देते, आप कोई भी एड्रेस नहीं देते, सिर्फ पुश या पॉप बताते हो। ठीक है, और ये बताते हो कि कौन सा, क्या कहते हैं, मतलब क्या पुश करना है या क्या पॉप करना है। ठीक है, पुश या पॉप बताते हो, पुश पॉप, ठीक है, पुश कितनी बार पुश किया, कितनी बार पॉप किया, ठीक है, वो ही सिर्फ बताते हो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, कोई भी एड्रेस नहीं देते कि यहां से पुश करना है, यहां 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 पे पॉप करना है। ठीक है, कोई भी, तो उस जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का जो फंडा है वो सारा ही सारे के सारा फंडा ही स्टैक बेस पे है। और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन वो टाइप की इंस्ट्रक्शन है जो सबसे छोटी फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें सबसे कम खर्चा आता है उसके उसे प्रोसेस करने का। क्यों सबसे कम आता है, सिंपली कंप्यूटर को पता है कि अगर पुश ऑपरेशन की बात हो रही है तो वही एक ही जगह पे स्टैक पड़ा है, वहीं से पुश की बात हो रही है, अगर पॉप की बात हो रही है तो वहीं से पॉप की बात हो रही है,
हमें स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, तो उसके जो बिट्स हैं एक इंस्ट्रक्शन के जो बिट्स हैं उसमें खर्च नहीं होते एड्रेस बताने में, तो सिर्फ ऑपरेशन में खर्च होते हैं, ऑपरेंड के बारे में बताने में कोई भी खर्चा नहीं होता, कोई भी बिट्स यूज नहीं होते। तो इससे क्या होगा, तो जो हमारी जनरल फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन का वो हॉरिजॉन्टली बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो जब छोटा होता है तो उसे पार्स करना भी इजी है, उसे प्रोसेस करना भी इजी है, इसलिए जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज होता है। और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का जो सारा फंडा है वो स्टैक्स पे बेस है। तो दिस इज फर्स्ट कोरिलेशन विच आई हैव क्रिएटेड कि डाटा स्ट्रक्चर और COA कैसे काम करते हैं। एक एप्लीकेशन की मैंने एग्जाम्पल ली, आपको दोनों ऑपरेशन समझाए, पुश और पॉप, ठीक है। अब गाइज हमारा सेकेंड फंडा भी क्लियर है यहां पे, दैट इज ऑपरेशन ऑन स्टैक। नाउ वी विल गो ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। अब इम्प्लीमेंटेशन गाइज दो तरीके की होती है, ऐसे तो है नहीं कि हमने स्टैक डिक्लेयर करना स्टैक बन गया, ठीक है। या तो हम स्टैक को, लेट मी फर्स्ट राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, पहला तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सिंपली एक एरे से, ओके। अब एरे में कुछ डिफिकल्टी आती है, ठीक है, तो हम डायनामिक एरे यूज करते हैं। फिर डायनामिक एरे में भी कोई दिक्कत आती है तो हम डबलिंग ऑफ द एरे यूज करते हैं फंडा। ये गाइस दिक्कत जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्या आती है, वो क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगती है जब हम ये इम्प्लीमेंटेशन को प्रोसेस करते हैं वाया एरे, देन डायनामिक एरे, देन डबलिंग ऑफ एरे। ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, ठीक है। अब सेकेंड गाइज इम्प्लीमेंटेशन तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए मैंने पहले लिंक लिस्ट पढ़ाया आपको। अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज देखी हो तो मैंने पहले आपको लिंक लिस्ट पढ़ाया, तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। पहले वी विल गो विद एरे इम्प्लीमेंटेशन। गाइज एरे में क्या होता है कि मान लीजिए एक सिंपल एरे है 1, 2, 3, ये हम कुछ खाली ब्लॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, दिस इज माय एरे ए, ठीक है, एरे ए। तो अब क्या है कि स्टैक का जो टॉप ऑफ द स्टैक है ना गाइस, वो हम रखते हैं कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है। मान लीजिए पहले ये जो एरे थी ए है जो पहले, वो खाली थी बिल्कुल, उसमें 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये ऐसे थी। जैसे मैंने एक एलिमेंट पुश किया तो मेरा टॉप ऑफ स्टैक ये था। जैसे मैंने मान लीजिए एक और बना लेते हैं, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसमें एक और एलिमेंट इंसर्ट किया तो भी मेरा ये हो गया, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक। तो मैं एक टॉप ऑफ स्टैक नाम का एक वेरिएबल, एक मेटा वेरिएबल ले लेता हूं जो इसके साथ मूव होता जाता है, जो मुझे करंट सिचुएशन बताता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो पॉइंट है, ये जो इंडेक्स है, इस पे टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टैक पड़ा है। दिस इज कॉल्ड एज एरे इंप्लीमेंटेशन गाइस। इसमें टॉप ऑफ द स्टैक भी है, ठीक है, और जब डिलीशन करेंगे तो टॉप ऑफ स्टैक माइनस हो जाएगा एक, तो इधर पीछे जाना शुरू हो जाएगा, और जैसे एडिशन करते जाएंगे इसमें और वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे, तो टॉप ऑफ द स्टैक इधर मूव होता जाएगा। लेकिन इसकी गाइस लिमिटेशन क्या है, अब मैंने कहा दिक्कत आती है, लिमिटेशन क्या है गाइस इसमें कि टॉप ऑफ द स्टैक तब तक ही चल पाएगा जब तक मेरी एरे फुल नहीं हो जाती। जब एरे फुल हो गई तो क्या कंडीशन, तो एक एक्सेप्शन थ्रो होगी, दैट एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज जब स्टैक ऑलरेडी फुल हो और हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट एक्सेप्शन इज कॉल्ड ओवरफ्लो एक्सेप्शन। इसका मीनिंग होता है कि स्टैक में जगह है नहीं और हम वो ऑलरेडी फिल है और हम उसमें और इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ये एक एरर होता है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि स्टैक फुल हो चुका है, ओके गाइस। और इसके साथ ही मैं दूसरा इसका ऑपोजिट कंडीशन बता देता हूँ। मान लीजिए स्टैक में कुछ भी नहीं है, टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू हमने मान लीजिए एक एम्प्टी स्टैक को दर्शाने के लिए -1 मान ली कि इसमें कुछ नहीं है जी, और आप फिर भी डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं या पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं या टॉप, जैसे मैंने पहले फंक्शन बताया था, मतलब पीक या टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रिटर्न ही नहीं होगा कुछ, क्योंकि कुछ है ही नहीं या कोई डिलीट ही नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं, उसे भी एक
एक्सेप्शन की तरह लेते हैं, उसे कहते हैं अंडर फ्लो कंडीशन। राइट गाइस, तो उसे कहते हैं अंडर फ्लो कंडीशन। ये दो एक्सेप्शन है, ओवरफ्लो एंड अंडर फ्लो। अब मैंने आपको एक इम्प्लीमेंटेशन बताई, मैं आगे भी दोनों जो तीन इम्प्लीमेंटेशन बाकी हैं वो भी बताता हूँ। हमने देखा गाइस एरे का इम्प्लीमेंटेशन और दोनों एक्सेप्शंस क्या क्या आती हैं। नाउ वी विल मूव कि एरे में हम साइज बड़ा नहीं कर सकते थे। अगर हम वही डायनामिक एरे ले तो डायनामिक एरे में क्या होगा कि मान लीजिए मेरे पास अभी एलिमेंट कोई नहीं है, तो एक ही चीज अवेलेबल है, दैट इज टॉप ऑफ स्टैक, मान लीजिए माइनस वन है। ठीक है, जैसे ही मैंने एक वैल्यू इंसर्ट की, जैसे वन ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो मैंने एक और साइज बढ़ा दिया, सॉरी वन आएगा यहाँ पे, तो मैंने एक और साइज बढ़ा दिया, टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पे दे दिया। ठीक है, एक और वैल्यू इंसर्ट हुई तो मैंने एक और साइज बढ़ा दिया, सॉरी यहाँ पे वन है, यहाँ पे एक और वैल्यू एड हुई तो मैंने टॉप ऑफ स्टैक इसे दे दिया। ठीक है, आप इसे एक और तरीके से लेते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं आपको एक और बताता हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं खाली वाले को पॉइंट कर रहा हूँ, टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अगर उसी को पॉइंट हो जहां पे वैल्यू है वहीं पे पॉइंट कर रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं। मान लीजिए अभी यहाँ पे खाली है, ठीक है, मैं किसी चीज को पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो इट विल बी एन इशू। किसी ना किसी मेमोरी को तो भाई पॉइंट करे, इसलिए मैं नेक्स्ट वाले को कर रहा था। हाइपोथेटिकली मान लीजिए मैं किसी को पॉइंट नहीं करता, टॉप ऑफ स्टैक माइनस वन है जी। ठीक है, किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, है ही नहीं कोई टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, जैसे ही मैंने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया जीरो पे, तो मैंने टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पे कर दिया, नाउ टॉप ऑफ स्टैक इज वन। ठीक है, या हाँ टॉप ऑफ स्टैक, अब आप कहेंगे कि टॉप ऑफ स्टैक जीरो क्यों नहीं हुआ। गाइस माइनस वन तो एक हमने हाइपोथेटिकल ये मान के चलते हैं कि अगर टॉप ऑफ स्टैक माइनस वन है तो एंड ऑफ फाइल है, जैसे मानते हैं। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर में कि कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, सिर्फ एक सिंबलाइज है, एक्चुअली टॉप ऑफ स्टैक माइनस वन होता नहीं है, सिंबलाइज करने के लिए। ठीक है, फिर हमने कर दिया गाइस यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, और मैंने टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पे मैंने सेकंड एलिमेंट इंसर्ट किया, तो टी ओ एस होते हैं कि जब टॉप मांगेंगे तो टू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द फंडा गाइस डायनामिक एरे का, कि जैसे जैसे एलिमेंट इंसर्ट होता जाता है वैसे वैसे एरे की स्पेस बढ़ती जाती है, एक एक प्लस वन बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें इशू क्या है गाइस, इशू ये है कि जैसे ही आप एक एलिमेंट, पहले तो एक एरे है, ठीक है, जैसे ही आप एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो आपको एक स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि एरे का स्पेस उस जो प्रीवियस एरे है उसके साथ ही अटैच हो जाता है, डायनेमिकली एरे तो इंक्रीज नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, एक नया एरे जनरेट करेंगे प्लस वन का, मान लीजिए इसका साइज वन था पूरे एरे का, अगर इसका साइज टू है क्योंकि हम एक एक बढ़ा रहे हैं, तो एक नया एरे पहले क्रिएट करना पड़ेगा मुझे जीरो और वन के साथ, मतलब कि दो दो एड्रेस स्पेसेस के साथ। फिर मुझे डाटा कॉपी करना पड़ेगा प्रीवियस एरे टू न्यू एरे, दैट इज वन। ठीक है, फिर जो मैंने एलिमेंट ऐड करना था, ठीक है, ये मेरा सेकंड ऑपरेशन था, फिर जो एलिमेंट मुझे ऐड करना था फिर मैं वो एलिमेंट ऐड करूंगा, तो दिस विल बी अ थर्ड ऑपरेशन। तो एक न्यू इंसर्शन ऑफ एलिमेंट के लिए, मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, तो मुझे तीन ऑपरेशन लगते हैं गाइस। तीन कौन कौन से ऑपरेशन, क्रिएटिंग अ न्यू एरे ऑफ साइज प्लस वन, ठीक है, देन सेकेंड ऑपरेशन क्या लगता है गाइस, कॉपिंग प्रीवियस वैल्यूज प्रीवियस एरे वैल्यूज टू न्यू एरे, एंड देन थर्ड ऑपरेशन गाइस क्या है, एडिंग या पुशिंग द न्यू एलिमेंट। ठीक है गाइस, तो ऐसे तीन ऑपरेशन लगते हैं डायनामिक एरे में। तो एक के लिए तीन ऑपरेशन लगे, फिर दो के लिए फिर सेम, फिर तीन के लिए फिर सेम। तो ये डायनामिक एरे का ये इशू है कि यहाँ पे इतने इम्प्लीमेंटेशन डायनामिक एरे में है, तो बेटर कि हमारी स्पेस वेस्ट नहीं हो रही। जैसे प्रीवियस में अगर मैंने पांच स्पेस का वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, एरे ले लिया सॉरी, और उसमें मैंने सिर्फ दो ही एलिमेंट इंसर्ट किए तो तीन वेस्ट हो गए। डायनामिक एरे में एक इंसर्ट करेंगे, जितने इंसर्ट करेंगे उतनी बार मैं स्पेस बढ़ाता जाऊंगा, प्लस वन करता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हर एक बार बढ़ाने पे फॉर एन ऑपरेशन मेरे पास एन प्लस थ्री लग रहे हैं,
ठीक है, ऑपरेशंस और एन टाइम्स पुश करने पे, ठीक है। तो ये डायनामिक एरे की एक ड्रॉबैक है, लेकिन पॉजिटिव में बताया कि स्पेस बचता है इससे। और एक डायनेमिक एरे का एक भाई है गाइस, एक नया इम्प्लीमेंटेशन है डायनेमिक एरे का ही, कि डबलिंग ऑफ एरे कर दो गाइस। जब नया नया एरे क्रिएट करो ना, तो डबलिंग ऑफ एरे क्रिएट कर दो। इसका आसान शब्दों में मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने जीरो पे एक एलिमेंट क्रिएट किया। डायनेमिक एरे में आप क्या करते, अगर आपको टू इंसर्ट करना है, आप एक नया बनाते एरे दो स्पेसेस का, जीरो और वन का, वन इसमें कॉपी करते फिर नया एलिमेंट ऐड करते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप डबलिंग ऑफ एरे में क्या करेंगे कि आपने मान लीजिए एक एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट है और आपने दूसरा एलिमेंट ऐड करना है, तो आप क्या बनाएंगे, एक एलिमेंट के लिए दो स्पेसेस ही बनाएंगे सेम एज इट इज। लेकिन जब आपने थर्ड एलिमेंट क्रिएट करना ना गाइस, तो आप चार का स्पेस ले लेंगे डबलिंग की, जो एरे पहले था उसका डबल साइज ले लेंगे। अब यहाँ पे एरे साइज टू है, अब यहाँ पे एरे साइज क्या होगा, फोर, जीरो वन टू थ्री। एलिमेंट क्या इंसर्ट करने पड़े आपको, वन टू और थ्री। और जब अगली बार आप पूछेंगे, ठीक है, कि भाई एरे का साइज क्या होगा, अगर अब मेरे फोर ऐड करना है तो मैं एट ले लूंगा इस, ठीक है, तो मैं एट एरे का साइज एट लूंगा, ठीक है, वन टू थ्री फोर। तो इससे क्या होगा कि जब तक मैं एट पे पहुंचूंगा, ठीक है, तब तक मेरे पास वैल्यूज सात में ऐड कर चुका हूं, तो सात की मतलब जो भी मेरे पास तीन ऑपरेशन और रह जाएंगे, उन तीन ऑपरेशन के लिए मुझे एरे का साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर कॉपी करने की जरूरत नहीं है, और फिर एलिमेंट ऐड करने की, मतलब वो तीन तीन ऑपरेशन पर इंसर्शन, ठीक है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या, मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन गाइज कम हो जाते हैं। कितने कम हो जाते हैं, लॉग एन टाइम्स कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आठ के पीछे सिर्फ चार ही इंसर्शन के पीछे मैंने आठ वैल्यूज ले ली, तो अगले तीन ऑपरेशन के लिए पीछे मुझे जरूरत नहीं है, तो काइंड ऑफ 50% काम हो जाता, काइंड ऑफ, बट लॉग एन टाइम्स, ठीक है। तो इसके लिए इसकी जो डबलिंग ऑफ डायनेमिक एरे है, ठीक है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, दैट विल कम अप एज ओ एन। और जो हमारा ये सिंपल जो डायनेमिक एरे था, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है गाइस, दैट विल कम एज ओ एन स्क्वायर। क्यों ओ एन स्क्वायर आती है, क्योंकि हर एक ऑपरेशन के लिए मुझे तीन तीन ऑपरेशन करने पड़े, ठीक है। कम से कम अगर हम इंसर्शन को ओ वन मानते हैं, एडिंग एन एलिमेंट को ओ वन मानते, तो जो दो ऑपरेशन करने पड़े वो तो मुझे हर एक एन के लिए करने पड़े ना गाइस, इसलिए एन स्क्वायर आ गया, ओके। अब इसमें मुझे लॉग एन टाइम्स ही करना पड़ा, इसलिए वी विल गो विद एन। एक्चुअली इसमें फंडा क्या था कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने करने पड़ते हैं अपॉन एक्चुअल नंबर ऑफ इंसर्शंस कितने हुए, एक्चुअल नंबर ऑफ पुश कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुश्ड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको एवरेज टाइम निकालना है, अगर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला होगा, ओके। अब हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी, एक इम्प्लीमेंटेशन हमारी बच गई है, अब लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन का सिंपली क्या होता है कि एक हम सिंगली लिंक लिस्ट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री है, इसका हंड्रेड है, टू हंड्रेड है, थ्री हंड्रेड है, ठीक है, तो यहाँ पे थ्री हंड्रेड, यहाँ पे हंड्रेड, एंड हेड इज दिस, ठीक है, हेड ये है। तो गाइज जब इंसर्शन करेंगे, और टॉप ऑफ द स्टैक भी हम इसी मानेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक हेड को, ठीक है, जब इंसर्शन करेंगे तो वो भी हेड सी होगा, जब डिलीशन करेंगे तो वो भी हेड सी होगा, ठीक है। तो इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट गिव्स मी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ वन, ठीक है गाइस। इसमें सिंपली क्या करूंगा, मैं यहां पे नल रख दूंगा और हेड को यहां पे पॉइंट कर दूंगा, तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बी माई न्यू नोड इन डिलीशन केस। इंसर्शन केस में नई नोड क्रिएट करूंगा, ठीक है, जो इस नोड का फर्स्ट नोड का एड्रेस है यहाँ पे डाल दूंगा, और जो हेड है उसे यहाँ पे पॉइंट करवा दूंगा, ठीक है, तो वो इसे पॉइंट करना शुरू कर देगा और ये फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो अगेन इंसर्शन विल ऑल्सो कॉज मी ओ वन, एंड डिलीशन एट द बिगिनिंग इन द लिंक सिंगली लिंक लिस्ट विल ऑल्सो कॉज मी ओ वन, बट
इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बेटर हो गई है टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक, बट इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस वो थोड़ी बढ़ जाएगी, दैट विल कम अप एज ओ एन। क्यों? क्योंकि ये जो रेफरेंसेस हैं इसको भी स्टोर करना पड़ेगा, ये जो रेफरेंसेस, ये जो पॉइंटर्स हैं अगली दो अगली लिंक मतलब नोड्स के ना लिंक लिस्ट, इन्हें सेव करना पड़ेगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज कम्पेयर टू एरे थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी फार बेटर देन ओ एन एंड ओ एन स्क्वायर जो एरे इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे थे, ठीक है। और स्पेस कैसे भी इसमें इंक्रीज करो, लिंक लिस्ट में कैसे भी डिक्रीज करो, कोई चक्कर नहीं है, आप हीप बेसिकली यूज कर सकते हैं फॉर डायनामिकली लिंक एलोकेशन। हम लिंक लिस्ट यूज ही बेसिकली इसके लिए करते हैं कि डायनामिकली कभी भी एलोकेट कर सकें, कम या ज्यादा बढ़ा सकें। तो मैलॉक बेसिकली वी यूज अ फंक्शन मैलॉक इन सी, ठीक है। अब हमने गाइस इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली कि स्टैक को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके गाइस, हमने अब इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लीटली देख लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ देखिए, ठीक है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन। नाउ वी विल मूविंग ऑन टू एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। एप्लीकेशन के बाद हम एक एग्जांपल देख लेंगे करेक्ट एक्सप्रेशन का। एक एप्लीकेशन तो गाइस मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है वो स्टैक बेस पे है, ठीक है गाइस। दूसरी एप्लीकेशन है कि जो हम इनफिक्स्ड एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, उसे जब पोस्ट फिक्स में करते हैं, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये जो कन्वर्जन है ये भी स्टैक के बेसिस भी होती है। आगे मैं इसका एग्जांपल करवाऊंगा एक आपको। देन जो हमारे वेब ब्राउजर में गाइस जो हिस्ट्री होती है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन स्टैक। अब क्या होता है, जो आपने सबसे रिसेंट विजिट किया होगा, ठीक है, वो सबसे ऊपर आ रहा होगा हिस्ट्री में, जो उसके पहले किया होगा वो उसके नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हिस्ट्री भी स्टैक फॉर्म में ही इम्प्लीमेंट होती है। देन जब आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में अंडू करते हैं तो वो भी स्टैक पे होता है, कि जो प्री जो आपका बिल्कुल ही रीसेंट एक्शन होता है वो वहां पे चली जाती है स्टेज, ठीक है, तो रीसेंट पे चली जाती है। तो अंडू ऑपरेशन भी जो होता है हमारा दैट इज आल्सो अ स्टैक बेस्ड ऑपरेशन। देन बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, जिनका एग्जांपल मैं अभी आपको करवाऊंगा कि बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स कैसे होता है, ये भी एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। अब और जैसे ट्री में DFS होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो भी स्टैक के बेस पे यूज होता है। या अगर आपको क्यूज बनानी है गाइस, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कितने स्टैक लगेंगे एक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आंसर इज 2। कैसे गाइस, मान लीजिए स्टैक 1 है, ये स्टैक 2 है। क्यू में क्या होता है गाइस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 3 है, मैंने यहाँ पे पहले 1 इंसर्ट किया, फिर 2 इंसर्ट किया, फिर 3 इंसर्ट किया। अब मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे पहले 3 पुश किया, फिर 2 पुश किया, फिर 1 पुश किया। अब जब मैं यहाँ से आउट करने की कोशिश करूँगा तो 1 आएगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। और अगर क्यू में पुश किया होता 1, फिर 2, फिर 3, फिर पहले 1 निकलता, फिर 2 निकलता, फिर 3 निकलता, यहाँ पे पहले 1, फिर 2, फिर 3। हमने दो स्टैक के बेसिस पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि यहाँ पे भी लीफो है, यहाँ पे भी लीफो है, लेकिन दोनों लीफो से हमने क्या कर दिया, फीफो इम्प्लीमेंट कर दिया गाइस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो एक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दो स्टैक की जरूरत पड़ती है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स कैसे होता है स्टैक के बेसिस पे। चलो एक देखते हैं, फंडा बनाते हैं, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है गाइस। अब हमने क्या करना है, एक स्टैक ले लेना है, इसमें हमने देखना है कि ये एक्सप्रेशन सही है भी कि नहीं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि जो ब्रेसिस हैं वो सही जगह पे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, कि या नंबर ऑफ ब्रेसिस हैं जो वो सही हैं, या नंबर ऑफ पैरेंथिस हैं जो वो सही हैं कि नहीं।
जब पहले हमारा एक पैरेंथिस आया, हमने इसे पुश कर लिया, लेफ्ट पैरेंथिस बोलते हैं इसे, ठीक है। जब ऑपरेंड आया, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेंड, उसे आउटपुट कर दिया। ऑपरेटर आया, उसे भी आउटपुट कर दिया। ऑपरेंड आया, उसे भी आउटपुट कर दिया। लेकिन जब राइट पैरेंथिस आया, ठीक है, तो उसे डिलीट कर दिया जो लेफ्ट पैरेंथिस था, ठीक है, तो डिलीट हो गया। अब जब माइनस आया, माइनस आ गया। अब जब लेफ्ट पैरेंथिस आया, मैंने लेफ्ट पैरेंथिस फिर पुश कर दिया, ठीक है। अब सी आया, सी आ गया। प्लस आया, क्योंकि ऑपरेटर आया हुआ, सी आ गया। ऑपरेंड फिर आ गया। अब जब मेरे पास राइट पैरेंथिस आ गया गाइस, ये वाला, ठीक है, फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो दो ही इंसर्शन हुए, दो ही डिलीशन हुए। इसका मतलब हमारे पास इक्वेट होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सही है। अब मैं गलत एक्सप्रेशन भी ले लेता हूँ, मान लीजिए ये है माइनस सी प्लस डी, एक ये एक्सप्रेशन है। अब क्या हुआ गाइज, एक मैंने लेफ्ट पैरेंथेसिस के पुश कर लिया, तो ऑपरेंड आ गया, ऑपरेटर आ गया, फिर ऑपरेंड आ गया। फिर जब ये राइट पैरेंथेसिस आया, तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस आया, फिर जो लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, फिर इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास सी आया, दैट इज ऑपरेटर, ओ सॉरी ऑपरेंड, फिर ऑपरेटर, फिर मेरे पास ऑपरेंड आ गया। अब जो राइट पैरेंथेसिस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन स्टैक मेरा अभी तक एम्प्टी हुआ नहीं। इसका मतलब स्टैक में एक पैरेंथेसिस पड़ा है। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन गाइस। अब आप पूछेंगे कि इसकी हमें एप्लीकेशन क्या हुई गाइस। अगर वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब अगर उसे इवेल्युएट करने लग जाएंगे बिना चेक किए, बिना उसका सेमेंटिक चेक किए, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन इज उसका आउटपुट गलत आएगा। इसलिए सिमेंटिक चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने कंपाइलर डिजाइन में देखा होगा, सिमेंटिक एनालिसिस का पूरे का पूरा एक फेज होता है, ठीक है। इसलिए ये चेक करते हैं कि मीनिंग है, मीनिंगफुल है अभी कि नहीं। सेकेंड गाइज, जब हम HTML करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने मान लीजिए ओपन टैग लगा दिया, वहाँ पे क्लोजिंग टैग होना भी जरूरी है, ठीक है, इसलिए ही वो मैच कर पाएंगे कि हाँ ओपन। अगर हम ये नहीं लगाते तो वो एरर, एक रेड एरर टाइप का शो करता है। वो क्यों करता है, वो इसी, वो एप्लीकेशन, वो रेड ऐसे ऑटोमेटिकली कैसे शो होने लगे था, वो एरर के, वो एरर ऐसे इसलिए शो होता है कि इन बैकग्राउंड पे एक एप्लीकेशन चेक करती है कि जितने ओपन टैग्स हैं उतने क्लोजिंग टैग्स है भी कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है गाइस टैग्स की, जो रियल वर्ल्ड में हम अदर सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। ओके गाइस, मैंने आपको एक्सप्रेशन भी सिखा दिया है। नाउ अब हमारे पास एक ही, अब हमने क्या क्या कर लिया गाइस, हमने एप्लीकेशंस देख ली, चेकिंग ऑफ करेक्ट एक्सप्रेशन भी देख लिया। अब हमारे पास रह गया इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स चेंज करना, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो कि इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं आपको इन फिक्स, प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स जनरली बता देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए ए प्लस बी है, एक सिंपल फॉर्मूला ले रहा हूँ। तो इन फिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर बीच में होता है दोनों ऑपरेंड्स के, इन्हें ऑपरेंड बोलते हैं गाइस ए और बी को, और जो प्लस है ये ऑपरेटर है, ठीक है। प्री फिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ए और बी हो जाएंगे, ठीक है। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर बाद में चला जाएगा। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है, इन फिक्स, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स, ये फंडा है। पोस्ट फिक्स में हम गाइस ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस यूज नहीं करते, ठीक है, इन फिक्स में करते हैं, ताकि हमें प्रॉपर उसका पता चल सके कौन सा मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस होता तो उसे कैसे करते, ठीक है। ओके तो ये बेसिकली हम ऐसे यूज करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स का, वाया स्टैक। तो गाइज एक बेसिक सा, एक छोटा सा एल्गोरिथम है कि हम इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे करते हैं, वो आपको बता देता हूँ कि जैसे एक स्टैक क्रिएट किया, ठीक है, देन अगर तो कोई कैरेक्टर है, तो कोई भी कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में आता है, तो अगर वो ऑपरेंड है तो डायरेक्टली आउटपुट कर दो। मान लीजिए ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई है, ठीक है, अगर तो कोई ऑपरेंड है तो आउटपुट दैट ऑपरेंड है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई राइट पैरेंथेसिस है
ठीक है, तो उतने एलिमेंट्स पॉप कर दो जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आए, पॉप दैट मच एलिमेंट जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस हमारे स्टैक में ना हो, ठीक है। थर्ड कंडीशन का इसमें क्या है कि जब लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस हो गया, ऑपरेंड की बात होगी, तो हमारे पास बचा क्या, या तो ऑपरेटर बचा या हमारे पास बची लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है, या लेफ्ट पैरेंथेसिस बची। तो अगर ऑपरेटर है तो एलिमेंट्स को पॉप करो और टोकन्स को तब तक रखो, तब तक पॉप करते रहो जब तक लोअर प्रायोरिटी का कोई हमारे पास ऑपरेटर स्टैक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लोअर प्रायोरिटी का स्टैक, लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है तब तक पॉप करते रहो। और अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो तब तक, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो तब तक पॉप करते रहो जब तक कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस ही स्टैक में अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो और जब तक ये पॉप करने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास कैरेक्टर था जिसके बेस पे हम स्कैन कर रहे थे उसे स्टैक में पुश कर दो, ठीक है। और जब ये सारा कुछ हो जाए तो उसके बाद एंड में हमने क्या करना है, सारे टोकन्स जो भी स्टैक में हैं उसे वैसे ही लास्ट इन फर्स्ट आउट फैशन में पॉप कर दो, ओके। फोर्थ स्टेप इज पॉप पॉप ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। एक एग्जांपल कर लेते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है, ये साइड में बना लेते हैं कि मान लीजिए अब हमने क्या किया है, एक स्टैक ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, ए है, ए क्या है, गाइस ऑपरेंड है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ डायरेक्टली आउटपुट कर देना है। फिर क्या आ गया, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर के साथ हमने चेक करना है एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे अभी स्टैक में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम पुश कर देंगे स्टैक में से यहाँ पे मल्टीप्लाई। गाइस इसके बाद आ गया, फिर ऑपरेंड आ गया, ठीक है, ये इनफिक्स ऑपरेशन है। गाइस इनफिक्स आपको कैसे पता चलेगा कि ए और बी के बीच में एक ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है, तो दो ऑपरेंड्स के बीच जब ऑपरेटर होता है तो उसे क्या कहते हैं, इनफिक्स ऑपरेशन, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम हमारे पास डायरेक्टली बी स्टार को हमने पुश कर दिया ना मल्टीप्लाई को, अब बी क्या है हमारे पास, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को डायरेक्टली आउटपुट कर दिया। अब हमारे पास क्या है गाइस, माइनस है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो माइनस की प्रेसिडेंस है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, वो कम है या ज्यादा है एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई है गाइस उसका जो प्रेसिडेंस है वो एज कंपेयर टू प्लस और माइनस ज्यादा होता है, ठीक है, प्लस और माइनस का कम होता है और मल्टीप्लाई का ज्यादा होता है। तो जो मल्टीप्लाई वाला गाइस हमारे पास ऑपरेटर है वो बाहर आ गया, ठीक है, यहां से पॉप हो गया और यहाँ की स्पेस में हमने पुश कर दिया, ठीक है, दैट इज माइनस। अब गाइस हमने ये फंडा देखा था, जब कोई ऑपरेटर आ जाए तब हम देखते हैं कि कोई लो प्रायोरिटी का अगर जब तक ऑपरेटर में, मतलब कोई भी लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर एज कंपेयर टू माई जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो अगर स्टैक में नहीं है तब तक पॉप करते रहे। अब हमारे पास एक ही ऑपरेटर था मल्टीप्लाई स्टैक में और वो माइनस से हायर प्रेसिडेंस है तो हमने उसे पॉप कर दिया। और उसके बाद जब हमने ये पॉप कर दिया है तो उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, जो हमारे पास इन हैंड होता है, ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, उसे हम पुश कर देते हैं। तो हमने माइनस को यहाँ पुश कर दिया। अब मेरे पास स्टैक में क्या है, सिर्फ माइनस है, मैं क्लियरली से बना देता हूँ आपको, आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो मैंने मल्टीप्लाई पॉप कर दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, ओके गाइस। नाउ अब इसमें नेक्स्ट क्या गाइस हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास पैरेंथिसिस। गाइस इसे कंफ्यूज मत करना, ये पैरेंथिसिस है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ये तो सी है, ठीक है, ये पैरेंथिसिस है। अब इसमें क्या है गाइस कि पैरेंथिसिस जो है, अब ये हमारे पास लेफ्ट पैरेंथिसिस है गाइस, तो हम इसे क्या करते हैं डायरेक्टली पुश कर देते हैं। लेफ्ट पैरेंथिसिस में क्या करते हैं कि पॉप एंड आउटपुट द टोकन अंटिल लेफ्ट पैरेंथिसिस इज पॉप्ड। अब लेफ्ट पैरेंथिसिस, ये अगर कोई राइट पैरेंथिसिस आए तो लेफ्ट पैरेंथिसिस वाले तक देखना है, अगर कोई आई लेफ्ट पैरेंथिसिस जाए तो लेफ्ट पैरेंथिसिस तक ही देखना होता है, पर कोई भी लेफ्ट पैरेंथिसिस है नहीं इसलिए मैंने इसे पुश कर दिया। अब क्या आ गया मेरे पास सी, सी क्या है गाइस, यहाँ पे सी आ गया, ठीक है, सी क्या है, एक ऑपरेंड है तो डायरेक्टली आउटपुट कर दिया, प्लस क्या है, ऑपरेटर है।
अब ऑपरेटर में क्या है गाइस कि जब तक उसके नीचे वाला ऑपरेटर है, जो जब तक उसकी कम वाली प्रायोरिटी वाला है तब तक पॉप करना है, लेकिन जो गाइस पैरेंथेसिस होती है वो हायर प्रिसिडेंस की है एज कंपेयर टू आर प्लस ऑपरेटर, तो इसलिए हम पुश कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब स्टैक में ही आ गया गाइस। नेक्स्ट वी हैव डी, डी इज ऑपरेंड, डायरेक्टली हमने आउटपुट कर दिया। नाउ वी हैव राइट पैरेंथेसिस। अब राइट पैरेंथेसिस में क्या है कि पॉप करो, ठीक है, तब तक टोकन्स को आउटपुट करते रहो जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पॉप करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही है प्लस, क्योंकि ये तो हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गई। ठीक है, तो नाउ वी हैव, कल मैं क्लियरली आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा। नाउ वी हैव प्लस, हमने पॉप कर दिया और वो यहां से हट गया। ठीक है, प्लस हमने यहां पे ले आए हम, और अब स्टैक में क्या बचा गाइस, अब क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कि मैंने यहां पे बताया था कि पैरेंथेसिस नहीं यूज करते हम, आउटपुट नहीं करते इन पोस्ट फिक्स नोटेशन, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो हमें पैरेंथेसिस भी कायदे से मतलब आउटपुट करनी चाहिए, पर हम पैरेंथेसिस को आउटपुट में यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए ये भी हमारा पॉप हो जाएगा लेकिन हम उसे पैरेंथेसिस में यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए अगेन वी विल पॉप दिस। ओ सॉरी, आई विल अगेन मेक इट। अब हमारे पास सिर्फ ये माइनस ही बचा टॉप ऑफ स्टैक पे। ठीक है, अब हमारे पास गाइस क्या है, प्लस है एक। ठीक है, तो प्लस में क्या होता है गाइस, कंडीशन क्या है, चेक एंड पुश की कंडीशन होती है कि इससे कम का कोई पड़ा तो नहीं है इसमें। ठीक है, ऑब्वियसली जो प्लस है माइनस है सेम कैटेगरी में ही आते हैं, तो हम क्या करते हैं गाइस, इसे पॉप कर लेते हैं और प्लस को पुश कर देते हैं, तो यहां पे आ गया माइनस। ठीक है, देन गाइज वी हैव ई। ई क्या है, एक ऑपरेंड है, वो डायरेक्टली ई आ जाएगा। अब जब हमारे पास सारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया गाइज, देन अब हमने क्या करना है, पॉप करना है, ये जो फोर्थ पॉइंट है, जब एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा तो पॉप कर देना। तो पॉप में हमेशा हमारे पास एंड में अभी क्या बचा हुआ, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो एक्सप्रेशन इज ए बी स्टार, या मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, सी डी प्लस माइनस ई प्लस, तो ये एक्सप्रेशन बन गया गाइस, पोस्ट फिक्स ऑपरेशन बन गया ऑफ दिस इन फिक्स नोटेशन। इन फिक्स में क्या था गाइस, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ब्रैकेट सी प्लस डी ब्रैकेट ऑफ प्लस ई। ठीक है, ये हमारा था इन फिक्स, और ये हमारे पास क्या आ गया, पोस्ट फिक्स। सो ये था गाइस एल्गोरिथम के बेसिस पे, ये मैंने एक एल्गोरिथम आपको जनरली लिखवा दिया है। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो के जब आप बैक जाएंगे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा कि एक्चुअली मैंने यहाँ पे कहा कहते कि अगर ओपरेंट है तो डायरेक्टली आउटपुट हो जाएगा, अगर राइट पैरेंथेसिस है तो लेफ्ट पैरेंथेसिस तक पॉप कर दीजिए। ठीक है, और अगर ऑपरेटर है तो तब तक पॉप करते रहिए जब तक कोई लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है वो नहीं स्टैक में हो। ठीक है, अगर कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो तब तक पॉप करते रहिए जब तक एक और लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए, और उसके बाद जो एलिमेंट इन हैंड था उसे पुश कर दीजिए। और जब स्टैक के, जब एक्सप्रेशन के सारे मतलब कैरेक्टर्स कंप्लीट हो जाएं, प्रोसेस हो जाएं, तो जो भी स्टैक में पड़ा है बचा खुचा उसे पॉप कर दीजिए इन लीफो मैनर। ओके, कि टॉप ऑफ स्टैक पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो गाइज ये था इनफिक्स से पोस्ट फिक्स नोटेशन का सफर यूजिंग स्टैक्स। तो मैंने आपको स्टैक के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, जिसमें हमने अगर हम वापस जाके देखें कि इनफिक्स और पोस्ट फिक्स भी कर लिए। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है, ऑपरेशंस क्या क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन किन तरीकों से होती है, उन तरीकों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, देन वी हैव चेक्ड कि एक एप्लीकेशन की करेक्ट एक्सप्रेशन कैसे चेक करते हैं, देन वी हैव चेक द एल्गोरिथम यूजिंग स्टैक की इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा कि इनफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को करके देखा कि कैसे करते हैं हम कन्वर्जन। ओके गाइस, सो दिस इज आवर लेक्चर ऑन स्टैक्स।
आई होप यू लाइक इट, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच.